हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी नॉट जस्ट विद इन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि विंटर वेडिंग्स में आप साड़ीज किस तरीके से पहन सकते हैं, किस तरह के ब्लाउजेज और पेटीकोट्स आप पहन सकते हैं, किस तरह के फैब्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं एंड इवन नेट की, जॉर्जेट की, सैटन की साड़ीज भी आप इसमें ग्रेसफुली पहन सकते हैं अगर आप राइट वे से उसे लेयर करें तो। बट बिफोर दैट प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल विद अ बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी वीडियो वेन एवर आई अपलोड देम। So now let's get started. Now the first way is wearing a sari with a turtleneck sweater top. अब turtleneck के साथ पहनने में फायदा ये है कि आपकी बॉडी को ये वार्म रखता है, एक अच्छी सी फिटिंग देता है। आप इसे चाहे नैरो पल्लू के साथ पहने या ओपन पल्लू के साथ, ये आप इजीली पहन सकते हैं क्योंकि आप पूरे कवर्ड हैं, वार्म हैं। आप इसे ऑफिसेज में पहने या अपने घर की शादी में, यू विल लुक इक्वली स्मार्ट। The next way of wearing saris in winter weddings is by pairing it with a knee length jacket. अभी knee length jacket आप beige gold color में बनवाएं या black color में, ये maximum saris के साथ ये दो colors चलते हैं। चाहे आप इसे stitch करवा लीजिए या readymade ले लीजिए। वैसे मैंने ये वाली stitch करवाई है, इस पर गोटा पट्टी work है, इसमें lining है। तो ना सिर्फ ये saris के साथ पहन सकते हैं बल्कि आप इसे किसी trousers, palazzo trousers के साथ पहन सकते हैं या एक कुर्ता सेट के साथ पहन सकते हैं। बहुत स्मार्ट ऑप्शन है। इस लुक में मैंने एक ब्लैक वेलवेट मिड लेंथ जैकेट स्टिच करवाई है। ये फैब्रिक ऐसा ही मिलता है जिस पे वर्क किया होता है। ये एक इकोनॉमिकल वे है ताकि आप अगर काम करवाएंगे इस पर आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसी फैब्रिक को अगर आप स्टिच करवा लीजिए, दैट विल बी अ चीपर ऑप्शन। पेटीकोट के लिए मैंने एक सैटन लाइक्रा का पेटीकोट यूज़ किया है। थिक होता है, स्ट्रेचेबल होता है। इस लुक को मैंने एक न्यूली वेडेड गर्ल को ध्यान में रखते हुए बनाया है। एक रेड नेट की साड़ी को शॉर्ट ब्रोकेड एंड वेलवेट जैकेट के साथ पेयर किया है। ये जैकेट मैंने अपनी दो साड़ीज के ब्लाउज फैब्रिक जो मेरे पास पड़े थे उन्हें जुड़वा के बनवाया है क्योंकि अकेले वो कम पड़ रहे थे एक फुल स्लीव्स जैकेट ब्लाउज के लिए। तो दिस इज हाउ आई पेयर देम अंडर एक रॉ सिल्क का ब्लाउज मैंने पेयर किया है। इट लुक्स सो गॉर्जियस। इस लुक में मैंने अपनी दादी की पटोला सिल्क साड़ी को एक सिल्क अचकन के साथ पेयर किया है। अचकन इज अ वेरी स्मार्ट ऑप्शन ऑफ वेयरिंग साड़ीज टू विंटर वेडिंग्स। आप चाहे ब्लिंगी सी भी साड़ी पहन लेंगे, ऊपर से एक अचकन पहन लीजिए, वो उसका इफेक्ट थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसे चाहे ऑफिस की शादियों में पहने या रिलेटिव्स की शादी में, बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। आप इसे पैंट्स के साथ पहनिए, बहुत अच्छा कुर्ता सेट ऑप्शन लगता है। Another way of wearing sarees to winter weddings is by pairing a floor length jacket. अभी मैंने मिंत्रा से खरीदी थी, मुझे ये इकोनॉमिकल पड़ी। अगर मैं इसे स्टिच करवाती तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता। दिस इज अ गुड वे ऑफ वेयरिंग प्रिंट्स ऑन प्रिंट्स। आप इसे प्लेन जैकेट के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत वार्म एंड कोजी ऑप्शन है। अब इस लुक में मैंने एक रॉ सिल्क की साड़ी को एक वेलवेट जैकेट एंड वेलवेट स्टिच्ड टॉप के साथ पहना है। वैसे आप एक नेहरू जैकेट भी पहन सकते हैं क्योंकि इसमें बटन डिटेलिंग थी सिल्वर कलर की, तो आई थॉट इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर विंटर वेडिंग्स। वैसे नेहरू जैकेट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग्स मिडिल एज्ड वुमेन। आप उसे शादियों में पहने, बहुत एलिगेंट एंड क्लासी लगती है। अब इस लुक में मैंने एक वेलवेट का पॉन्चो केप पेयर किया है एक शिफॉन की साड़ी के साथ। इसकी टैसल डिटेलिंग का कलर इस पॉन्चो केप से मैच कर रहा था। ये बहुत ही यूथफुल ऑप्शन है, आप अंदर इनर भी पहन सकते हैं। अब अगर आप विंटर वेडिंग्स में बैकलेस ब्लाउज पहनना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका डिज़ाइन भी ना छुपे, आप वार्म भी लगे एंड स्मार्ट भी, तो वेयर इट विद अ बोलेरो जैकेट। बोलेरो जैकेट से आपका डिज़ाइन हाइड नहीं होता, पीछे से भी ब्लाउज का पैटर्न दिखता है एंड यू लुक स्मार्ट एंड वार्म। दूसरा ऑप्शन है कि आप साड़ी के पल्लू को एक ऑफ शोल्डर स्टाइल में कैरी कर सकते हैं जिससे आपका ब्लाउज का पैटर्न भी दिख सकता है। आप कितना कवर्ड रखना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। आप एक शॉल के साथ भी उसे पेयर कर सकते हैं। वैसे वेलवेट की साड़ी या हाफ वेलवेट साड़ी इज़ अ गुड वे टू वेयर साड़ीज टू विंटर वेडिंग्स। और अगर आपके पास हाफ वेलवेट साड़ी नहीं है तो आप वेलवेट दुपट्टा के साथ एक बनारसी या सिल्क साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। डू चेक दिस आउट, इट्स अ वेरी एलिगेंट एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ रीयूजिंग योर साड़ीज। अब अगर आप पूरी वेलवेट की साड़ी नहीं पहनना चाहते तो आप एक वेलवेट स्टोल ऐड कर सकते हैं अपनी साड़ीज में और एक कोल्ड शोल्डर वेलवेट ब्लाउज के साथ भी उसे पेयर कर सकते हैं।
आप एक थिकर फैब्रिक का दुपट्टा भी वेयर कर सकते हैं, जैसे कि फुलकारी दुपट्टा। ये मैंने पंजाब से ख़रीदा था। ये बहुत ही ऑथेंटिक एंड थिक है। ये पूरा एक शॉल की तरह आप इसे कैरी कर सकते हैं। यू कैन स्टाइल इट इन अ नंबर ऑफ वेज। या फिर आप अपनी साड़ी के पल्लू को एक दुपट्टे की तरह ड्रेप करें कि आपको एडिशनल लेयर ऑफ वार्म्थ मिले। या एक थिक फैब्रिक का ब्लाउज पहन लें, जैसे कि फॉक्स फर। ये बहुत ही स्मार्ट लगता है। ये मैंने स्टिच करवाया है। या जैसे कि हम जानते हैं कि क्रॉप टॉप्स बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है साड़ीज के साथ पेयर करने का। आप उसे वेस्टर्न वेयर या फिर ट्रेडिशनल वेयर के साथ पहनिए। मैंने कांजीवरम साड़ी को पेयर किया है एक वार्म क्रॉप टॉप के साथ। आप उस पर एक एथनिक जैकेट भी पेयर कर सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन करके, या फिर पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में उसे वेयर करें फ्लावर्स के साथ। कितना ब्यूटीफुल लुक आता है। या फिर वाटरफॉल ड्रेप भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे आप डिफरेंट लुक्स ट्राई कर सकते हैं। या आप अपनी साड़ी को एक पेपलम टॉप के साथ भी पेयर कर सकते हैं। ये सिल्क में या ब्रोकेड में आप रेडीमेड ले लीजिए या स्टिच करवा लीजिए। वैसे रेडीमेड में इसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। ये मैंने मिंत्रा से ख़रीदी थी। अपनी ओल्ड टिश्यू साड़ी को मैंने इस तरह से रीयूज़ करके, रिवाइव करके पहन लिया विंटर वेडिंग्स के लिए। आप पल्लू को डिफरेंट स्टाइल से वेयर कर सकते हैं, डिफरेंट ड्रेप्स ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। लुक भी अच्छा आता है एंड वार्म भी रहते हैं, स्मार्ट भी रहते हैं। अब इस लुक में मैंने एक ब्लाउजन टॉप के साथ एक ऑर्गेन्जा फ्लोरल प्रिंट साड़ी को पेयर किया है। ये बहुत ही यूथफुल वे है जब आपको किसी डे वेडिंग में कुछ अटेंड करना हो, जैसे हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, या फिर अपनी ऑफिस की कोई वेडिंग सेरेमनी में जाना हो। दिस इज अ गुड वे ऑफ वेयरिंग योर साड़ीज। या फिर आप ये एक रेट्रो लुक भी ट्राई कर सकते हैं, ये पफ स्लीव ब्लाउज के साथ, जो कि दोबारा फैशन में आ गया है। वैसे ये एक टॉप है जो वेस्ट तक कवर्ड है। ये वार्म ऑप्शन है एंड स्मार्ट है और थोड़ा डिफरेंट है। या आप अपनी साड़ी को एक शॉर्ट कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हैं। ये सिल्क फैब्रिक में है, इंडिया ब्रांड से है। उसमें ऐसी ऑप्शंस बहुत सी हैं। आप एक गुजराती ड्रेप ट्राई करिए। आप अपनी ज्वेलरी को लेयर कर लीजिए इस प्लेन टॉप पे एंड इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। या आप अपनी साड़ी को किसी भी एम्बेलिश्ड कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वे है। देखिए मैंने कैसे इसमें नेट की साड़ी को यूज़ कर लिया विंटर वेडिंग्स के लिए, और पेटीकोट के लिए एक ब्रोकेड पेटीकोट विद लाइनिंग यूज़ किया है टू गिव दैट एडिशनल लेयर ऑफ वार्म्थ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ वेयरिंग साड़ीज इन विंटर्स। आप अपनी साड़ी को एक सिल्क शर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी यूथफुल वे ऑफ वेयरिंग साड़ीज इन विंटर वेडिंग्स। आप इसमें वार्म लगेंगे, स्मार्ट लगेंगे, बहुत प्रिटी लगेंगे। या आपके पास कुछ इस तरह से वेलवेट का सीक्वेंस टॉप है, आप उसे पेयर कर सकते हैं अपनी साड़ीज के साथ। मैंने इसे पेयर किया है एक ए लाइन पेटी कोट के साथ जो कि कैन कैन वाला है। इसे एक फिश कट लुक आता है और ये बहुत ही डिफरेंट लुक दे रहा है। आप किसी रिसेप्शन पर भी पहन सकते हैं। इस लुक में मैंने एक सैटिन की साड़ी को पेयर किया है एक स्वेटर टॉप के साथ और एक वेस्ट कोट के साथ। अगर आप अपनी ऑफिस की कोई वेडिंग्स अटेंड करना चाहते हैं, ये लुक बहुत ही क्लासी एंड एलिगेंट है। इसमें आप ना ही कोई ब्लिंगी चीज़ पहन रहे हैं बल्कि स्मार्ट लग रहे हैं, कोजी लग रहे हैं। अराउंड द नेक एज अ स्कार्फ भी आप उसे ड्रेप कर सकते हैं। इट्स सो स्मार्ट एंड एलिगेंट। आप उसे एक टक्सीडो के साथ भी पेयर कर सकते हैं, चाहे वो पूरा पहन लीजिए या ओवर द शोल्डर्स भी उसे रख सकते हैं। इट लुक्स वेरी वेरी स्मार्ट इन दिस वे। और अगर आपके पास कोई ऐसा स्वेटर हो जिसमें कोई बटन डिटेलिंग्स हो या हेम पे बहुत ही रफल डिटेलिंग्स हो, और साड़ी इतनी सुंदर है, उसका पल्लू इतना अच्छा है कि आप उसे हाइड नहीं करना चाहते, आप उसे इस वे से वेयर कर सकते हैं फ्रंट पल्लू के साथ। इट विल लुक सो एलिगेंट, सो यूथफुल एंड सो ब्यूटिफुल। या आपके पास अगर कोई डीप नेक स्वेटर टॉप है, वो भी आप पेयर कर सकते हैं अपने किसी फ्लोई फैब्रिक वाली साड़ी के साथ। इसमें मैंने अपनी जूट सिल्क की साड़ी को पेयर किया है इस डीप नेक ब्लाउज के साथ। एक्चुअली एक टॉप है जो मैंने बहुत साल पहले खरीदा था, उसे मैं रीयूज कर रही हूँ इस तरह से विंटर वेडिंग्स के लिए। So that brings me to the end of this video. आज के वीडियो में आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा? Do mention in the comment section below. If you like my video, please give it a thumbs up. Please recommend it to your friends and relatives and subscribe to my channel. Stay tuned for more videos coming up your way. Till then, bye-bye and take care.